वेलकम टू माय चैनल। और हम आज पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशन के अंदर मास और वेट। तैयार है मैडम? मास और वेट की बात करते हैं, तो अगर हम इन जनरल टर्म बात करें, तो अगर हम किसी से भी पूछेंगे तो हम ऐसे पूछते हैं, तुम्हारा वेट क्या है, तुम्हारा मास नहीं क्या है, लेकिन जबकि एक्चुअल में हम उसका मास पूछ रहे होते हैं। जो वेट है और जो मास है उसमें क्या डिफरेंस है? साइंटिफिकली डिफरेंट है, बट कॉमन जब हम जनरल बात करते हैं तो हमें सेम लगता है। तो मास क्या है? मास जो है इनर्शिया से हम कंसीडर करते हैं कि इनर्शिया इतना है, जितना मास होगा उतने उसका इनर्शिया होगा, तो मास को हम इनर्शिया से रिलेट करते हैं, जबकि वेट को हम ग्रेविटी से रिलेट करते हैं। मास जो है किसी भी बॉडी पे, किसी भी प्लेनेट पे या कहीं भी स्पेस में एक कांस्टेंट है, मतलब वैल्यू उसकी कांस्टेंट होगी। अगर जैसे हम स्पैन की बात करें तो स्पैन का जो मास है वो हम किसी भी जगह मेजर करेंगे वो सेम आएगा, चाहे अर्थ पे करें, चाहे मून पे करें, चाहे कहीं पे करें, इसका जो मास है वो इसका कांस्टेंट है। बट इसका जो वेट है वो डिफरेंट लोकेशंस पे, डिफरेंट जगह पे डिफरेंट होता है। ठीक है, मास जो है वो ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता है, मास ऑब्जेक्ट का होता है, जबकि जो वेट होता है उस ऑब्जेक्ट का ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। अर्थ इस पे कितनी ग्रेविटी लगा रही है? 9.8। उसके अकॉर्डिंग इस बॉडी का जो मास कन्वर्ट हो जाएगा, वेट में कन्वर्ट हो जाएगा, वेट कहलाएगा। वो मास को हम मेजर करते हैं केजी में, और वेट इसकी जो बॉडी यूनिट वेट। है, जबकि वेट को जो हम मेजर करते हैं वो हम करते हैं न्यूटन में। ठीक है, तो ये इसकी कुछ चीजें हैं। मैटर ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट मेजर इन अमाउंट ऑफ मैटर इन ऑब्जेक्ट, कितना मैटर है इसमें, एंड इट इज ऑल्सो मेजर अ इनर्शिया, केजी में करते हैं। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉन्स्टेंट हर जगह। मास ऑन ऑब्जेक्ट इज डिपेंड ऑन ओनली द अमाउंट ऑफ मैटर इन द ऑब्जेक्ट, इट डिनोटेड बाय एम। तो हम मास को किससे डिनोट करते हैं? एम से डिनोट करते हैं। मास हैज ओनली मैग्नीट्यूड, क्योंकि ग्रेविटी तो है नहीं, डायरेक्शन की कोई बात है ही नहीं। इट कैन बी मेजर यूजिंग पैन बैलेंस। तो जब इधर हम कुछ क्या रखते हैं, वॉट, 1 kg का हमने वाट रख दिया, 2 kg का वाट रख दिया, इधर हमने कुछ ऑब्जेक्ट रख दिया, तो हम जब बैलेंस यूज करते हैं तो हम मास मेजर कर रहे हैं। इसका मतलब ये है, जैसे तराजू। हाँ, ठीक है, वेट के बारे में पूछते हैं। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स विद विच अट्रैक्ट बाय अर्थ, मून और एनी प्लेनेट, उसको जो अट्रैक्ट कर रहे हैं उस ग्रेविटी से, उसको हम वेट कहते हैं। इसकी यूनिट होती है न्यूटन, वेट की यूनिट। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस, हर जगह हम मेजर करेंगे तो हर अलग अलग लोकेशन पे डिफरेंट वेट आएगा। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिपेंड ऑन मास, लेकिन मास पे डिपेंड करता है, एंड एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट प्लेस वेयर इट वेट मेजर। वेट होता है मास इनटू एक्सलेशन बाय एन ड्यू टू अर्थ और ऑब्जेक्ट, जिस भी बॉडी की बात कर रहे हैं, यानी डब्ल्यू इक्वल टू एम जी। और हम यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, जी एम एम अपॉन आर स्क्वेयर, जहाँ पे जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कैपिटल एम मास ऑफ द अर्थ और मून, जिस बॉडी की हम बात कर रहे हैं जो इस पे फोर्स लगा रही है ग्रेविटी, स्मॉल एम मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और आर अर्थ की या मून की रेडियस। ठीक है, मास हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इट कैन बी मेजर यूजिंग पैन बैलेंस। मास ऑफ बॉल ऑन अर्थ, जैसे अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लिया कि सपोज एक बॉल है, जिसका मास 5 kg है, अर्थ पे ग्रेविटी कितनी होती है? 9.8। जब उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बॉल की जो वेट है वो 49 न्यूटन अर्थ पे आएगी। वहीं पे बॉल का मास मून पे भी 5 kg है, बट वहां पर जो बॉल का वेट आएगा वो 8.16 न्यूटन आएगा। ठीक है,
वेट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इट कैन बी यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस में क्या होता है, ऊपर ऐसे पकड़ लेते हैं और यहाँ पे वो वेट करते हैं, कितना नीचे जा रहा है उससे हम जो है वेट मेजर करते हैं। ये स्प्रिंग बैलेंस होता है, जो ऊपर ऐसे टक होता है और ऐसे ऐसे स्प्रिंग होता है, यहाँ पे हम उस वेट को टक कर लेते हैं। और जबकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, तराजू यूज करते हैं बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ से हम मास मेजर करते हैं, इससे हम वेट मेजर करते हैं। जैसे हमने मून का भी देखा कि मून पे वेट अलग आ रहा है और अर्थ पे अलग आ रहा है, तो हमने कैलकुलेट करके भी दिखाया है कि दोनों में क्या रिलेशन है। अर्थ का मास है 5.98 × 10²24 kg, अर्थ की रेडियस है 6.37 × 10²6 kg, मून का मास है 7.36 × 10²22 kg, मून की रेडियस है 1.74 × 10²6 kg। हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लेंगे एम मास का, अर्थ पर और मून पर दोनों पर उसका वेट कैलकुलेट करेंगे, और फिर उस वेट को, यानी वेट मून पर वेट अर्थ पर, इनका रेशियो निकालेंगे, देखेंगे कि क्या चेंज आता है, दोनों में क्या रिलेशन है। तो वेट अर्थ पर है GME, अर्थ का मास चेंज एम, हो जाएगा। वो बाद में करेंगे, पहले हम क्या करेंगे वैल्यूज रख लेंगे। मास पता है हमें, रेडियस पता है, दोनों वैल्यूज रख लो। ठीक है, वैल्यूज रखी, कैलकुलेट किया, तो ये आ रहा है अर्थ पर वेट, मून पर वेट आ रहा है ये। यहाँ पर मैंने एम रख, एम की जगह मीटर लिख दिया, क्योंकि ये एम इस पहले एम से कंफ्यूज करता है ना, इसलिए मैंने यूनिट मीटर लिखी हुई दिखा रखी है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड किया तो ऑब्वियसली जीएम जो है दोनों में है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये रिलेशन आ रहा है अप्रोक्स 0.165, और हम कह सकते हैं 1/6। तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून डिवाइड बाय वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज इक्वल टू 1/6, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेट ऑन मून इक्वल टू वन अपॉन सिक्स ऑफ ऑफ वेट वेट ऑफ अर्थ। अर्थ। तो अगर हमें अर्थ पे वेट पता है तो हम उसको डिवाइड बाय सिक्स कर दे तो मून पर वेट आ जाएगा, और यूनिट क्या होगी वेट की, न्यूटन। हाँ ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, इसको करके दिखा। मास है ऑब्जेक्ट का 10 kg, वेट बताना है अर्थ पे, इतना सिंपल तो क्वेश्चन है, बताओ फटाफट आंसर बताओ मुझे। अर्थ पे वेट की जरूरत क्या है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बता। हाँ सिंपल सा है, तो पहले क्या करो, गिवन लिख लो, है 98 होता है। ना, पहले जो गिवन चीजें हैं आप क्या करो उसे लिख लो। तो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एम इक्वल टू 10 kg, फिर जी की वैल्यू अर्थ पर 9.8 m/s², तो वेट हो गया एम जी 98 N। सिंपल सा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का है। एन ऑब्जेक्ट वेट 10 N व्हेन मेजर ऑन अ सरफेस ऑफ अर्थ, व्हाट इज द वेट व्हेन मेजर्ड ऑन सरफेस ऑफ मून। आसान है ये तो, एक रिलेशन हम निकाल चुके। सॉल्यूशन, पहले वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, तो डब्ल्यू ई दे रखा है 10 N, फिर क्या पूछ रहे हैं, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन
सरफेस ऑफ मून पूछा है, फिर आप जानते हो क्या निकाला भी था मैंने, फेट ऑफ ऑब्जेक्ट अभी पीछे पढ़ के आए हैं ऑन मून इक्वल टू 1/6 वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, डब्ल्यू एम इक्वल टू हो जाएगा 1/6 इंटू 10 न्यूटन, आ जाएगा 1.67 न्यूटन। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून या सरफेस ऑन मून 1.67 न्यूटन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो गिवन है वो देख लेते हैं। तो मास ऑफ, फाइंड द रेशियो ऑफ वेट ऑफ अ मैन ऑफ एम मास ऑन मार्स एंड ऑन अर्थ। मास ऑफ द मार्स इज 6.6 इंटू 10^23 kg एंड इट्स रेडियस 3.39 इंटू 10^6 मीटर। द मास ऑफ अर्थ इज 6 इंटू 10^24 kg एंड इट्स रेडियस इज 6.4 इंटू 10^6। ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट 6.67 इंटू 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर दे रखा है। हम पहले क्या करेंगे, हमें क्या क्या गिवन है वो ले लेते हैं। तो मास ऑफ मार्स दे रखा है, यानी कि एम एम बोल देते हैं हम इसे, 6.6 इंटू 10^23 kg। रेडियस ऑफ मार्स आर एम बोल देते हैं इसको, ये दे रखा है 3.39 इंटू 10^6 मीटर। फिर हमें गिवन है मास ऑफ अर्थ मतलब एम ई दे रखा है 6 इंटू 10^24 kg। फिर हमें दे रखा है रेडियस ऑफ अर्थ आर ई 6.4 × 10^6 मीटर। फाइंड करना है वेट मैन का, मार्स पर रेशियो निकालना है वेट मैन का अर्थ, ये फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, जो ग्रेविटेशनल वाला फॉर्मूला था, नहीं ग्रेविटेशनल 27 नहीं, करो कैलकुलेट। ग्रेविटेशनल फॉर्मूला जो है वेट का, डब्ल्यू इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, है ना, ये था। तो हम क्या करेंगे, एक बार जी एम 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 अपॉन आर एम स्क्वायर, एक बार हम वेट अर्थ पर लेंगे जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, वेट ऑफ मैन ऑन मार्स, ये हम क्या निकाल रहे हैं, वेट ऑफ अ मैन ऑन मार्स हो जाएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10^-11 इंटू 6.6 इंटू 10^23 इंटू एम अपॉन 3.39 इंटू 10^16 मीटर स्क्वायर, ये केजी है। हाँ
ये आ रहा है 3.71 अच्छा न्यूटन मार्स को, मार्स का। ऐसे ही वेट ऑन एक मिनट अर्थिंग हेलियम कर लिए। और अर्थ का वेट है 6 × 10^24 kg, m अपॉन 6.4 × 10^6 मीटर स्क्वायर। यही निकल कर आएगा आपका, कैलकुलेट करेंगे तो WE की वैल्यू, WE आ रहा है 9.77 m न्यूटन। 15 डब्ल्यू एम को डब्ल्यू ई से डिवाइड कर देंगे, ये है 3.77 m, 9.77 m, ये न्यूटन, ये भी न्यूटन, लेकिन यूनिट लिख लीजिएगा याद से, तो एम से एम कट जाएगा। डब्ल्यू एम अपॉन डब्ल्यू ई 0.38। टू बाई फाइव, तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ जैसे हमें मून का, मून और अर्थ के बीच में याद हो गया कि मून जो है किसके है, 1/6 ऑफ अर्थ, यहाँ पे है मार्स पे 2/5, ये मार्स है, ये मून नहीं है, आपको कहीं पता लगा, 2/5। ठीक है सही, तो स्टार्टिंग का नंबर 3 था। हाँ वाह वाह वाह, चलो ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, तो मैं क्वेश्चंस नहीं करा रही सारी, ये तुम लोग खुद करना है ना, डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना। लेकिन स्टिल मेरे थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है, जाएगा चाहती हूँ कि इसको एटलीस्ट जरूर ट्राई करो। मास ऑफ प्लेनेट इज ट्वाइस अर्थ से, तो ये कह रहा है मास, इसका प्लेनेट लिख देती हूँ, क्या है 3 टाइम्स है मास इसके अर्थ से, ये गिवन है। दूसरा गिवन है रेडियस इज ट्वाइस टू अर्थ, और रेडियस के लिए लिख रहा है उस प्लेनेट की रेडियस है ट्वाइस ऑफ अर्थ। एप्पल का मास प्लेनेट पे कितना होगा जबकि वो अर्थ पर इतना है, तो ये हमें दे रखा है वेट ऑन ऑफ एप्पल ऑन अर्थ, हमें वेट निकालना है एप्पल का उस प्लेनेट पे। कर लोगी? ऐसे करेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी है। अब नेक्स्ट टाइम अब हम पढ़ेंगे थ्रस्ट और प्रेशर पे, और न्यूमेरिकल सब मैं एक्स्ट्रा नहीं करा रही हूँ, जो मैं देती हूँ पहले आप उनको सॉल्व करिए उन क्वेश्चंस को, अगर डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए, उसके बाद ही मैं वो सॉल्व कराऊंगी क्वेश्चंस, ठीक है? कीप वॉचिंग, क्वेश्चन सॉल्व करूंगी तो मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगी जो मैंने प्रॉब्लम्स दिए हैं, वरना मैंने सफिशियंट एग्जाम्पल सॉल्व करा रखे हैं, ठीक है?